ये झरने की महक, ये चहचहाती चिड़ियाँ, खूबसूरत है दुनिया और खूबसूरत है कुदरत। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मुर्मू ट्यूबर चैनल में स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि अभी तक हमारे देश में टोटल 104 नेशनल पार्क है जो नोटिफाइड है, और नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस दिसंबर 2020 के हिसाब से ये हमारे देश के 1.33% ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करती है। लेकिन अब इसमें और एक नेशनल पार्क का नाम शामिल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में और एक नया नेशनल पार्क की घोषणा हो चुकी है। आज इस वीडियो में उसी नेशनल पार्क के बारे में हम बात करेंगे, वो कहाँ है, एरिया कितनी है और भी बहुत कुछ। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि असम में टोटल 5 नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मनास, नमेरी, उरांग और डिब्रू साइखोवा। लेकिन कल से असम के 6 नेशनल पार्क हुए, क्योंकि असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी ने कल गांधी मंडप में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6th नेशनल पार्क ऑफ असम घोषित किए, यानी अब ये हमारे देश के 105 नेशनल पार्क हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क की हैसियत देने के लिए अभी काम जारी है। রাইমনা অভয়ারণ্য রাজ্য সরকারে আজির পৰা এখন নতুন ন্যাশনেল পার্ক হিসাবে ঘোষণা করবলৈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। খুব সোনকালে দিহিং পাটকাইকো আন এখন ন্যাশনেল পার্ক হিসাবে ঘোষণা করার বাবে প্রারম্ভিক কার্যসূচী আমি চলাই আছো। তো চলিয়ে দোস্তো, আব হাম রাইমনা ন্যাশনেল পার্ক কি লোকেশন কে বারে মে জাননে কি কোশিশ করতে হ্যাঁ। রাইমনা ন্যাশনেল পার্ক কোকরাঝাড় ডিস্ট্রিক্ট কে गोसाईगांव सब डिवीजन के कुचुगांव फॉरेस्ट डिवीजन में पड़ता है। इनके एरिया 422 स्क्वायर किलोमीटर है और ये नोटिफाइड रिपू रिजर्व फॉरेस्ट के नॉर्दर्न पार्ट को कवर करती है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं रायमोना नेशनल पार्क किस लिए फेमस है और वहाँ कौन कौन से स्पीसीज पाई जाती है। रायमोना नेशनल पार्क गोल्डन लंगूर के लिए बहुत फेमस है, जिनको मास्कोट ऑफ बोडोलैंड रीजन से भी जाना जाता है। वहाँ एशियन एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन गोर, क्लाउडेड लियोपर्ड, वाइल्ड वाटर बफेलो, स्पॉटेड डियर, हॉर्नबिल और 150 से भी ज़्यादा किस्म के तितलियाँ पाई जाती हैं, और 170 जातियों के चिड़ियाँ और 380 किस्म के पौधे और ऑर्किड्स पाए जाते हैं। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना, दरखत की डाली से सीखो, फल आए तो झुक जाना। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि मैंने आप लोगों को हमारे देश के 105th नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क के बारे में कुछ जानकारियाँ दे पाई। तो मैं यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों से अलविदा कहती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्ते।